वेलकम बैक वंस अगेन आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर टेन विद द बुशमैन इन द कालारी सो दिस इज द स्टोरी अबाउट अ विजिट टू द कालारी डेजर्ट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर पोचिंग ऑफ एनिमल इज इमोटर एंड इन लीगल एक्ट इन मैनी प्लेसेस जानवरों का अवैध शिकार कई जगहों पर अनैतिक और गैरकानूनी काम है दिस इज स्टिल डजेंट स्टॉप पीपल फ्रॉम हंटिंग दैम इसके बावजूद भी लोगों को हम शिकार करने से नहीं रोक पाते हैं लेट एस रीड द ऑथर्स जर्नी टू शूट एलिफेंट्स इन द कालाहरी डेजर्ट विच एंड प्लीज इन ट्विस्ट तो चलिए यह एक एक्सपीरियंस पढ़ते हैं जिसमें लेखक जो हैं वो काला हर, कालाहरी रेगिस्तानों में हाथियों पर गोली चलाने की यात्रा के लिए जाते हैं जो कि एक सुखद मोड़ के साथ समाप्त होती है इफ़ यू आर गोइंग टू शूट एलिफेंट्स बिवेयर और वो पहली लाइन में हमें सावधान कर रहे हैं कि अगर आप हाथियों पर गोली चलाने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए द नॉजिटिंग स्मेल इज समथिंग यू विल नवर फॉगेड क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक ऐसी स्मेल नॉजिटिंग का मतलब उल्टी आ जाना वॉमिट फील होना एक ऐसी स्मेल रिलीज होती मिलेगी जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे जिससे आपको उल्टी आ जाएगी सच वर द रिपोर्ट्स फ्रॉम द फ्रेंड्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम द कालाहारी और ये रिपोर्ट जो थी वो कालाहारी से लौटे हुए दोस्तों की थी जिन्होंने ऐसा बताया था अपनी रिपोर्ट में वी स्टिल लोडेड अवर वैन्स विद अवर शूटिंग किट्स एंड सेट आउट फॉर द डेजर्ट ये सब जानने के बाद भी हमने अपनी वैनों में अपनी शूटिंग किट्स को भरा और रेगिस्तान की ओर निकल पड़े इट वॉज अ रेस्टलेस ड्राइव ये जो ड्राइव थी वो बहुत बेचैनी भरी थी वी न्यू नॉट वॉट वॉज इन स्टोर फॉर अस क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे लिए क्या होने वाला है फॉर्चुनेटली वी हिट द डेजर्ट वाइल इट वॉज स्टिल हम रेगिस्तान में पहुंचे जबकि अभी भी दिन था यानी हमने जो यात्रा की थी उसमें हम दिन ही दिन वहां पहुंच गए गुड वी एग्रीड दैट वुड लीव अस टाइम टू सेट अप अ बेस फॉर आवर शूट यह अच्छा था क्योंकि हम इस बात से सहमत इसलिए हुए क्योंकि इससे हमें अपनी शूटिंग के लिए जो बेस बनाना था उसके लिए समय मिल जाएगा हम दिन में पहुंच गए हैं तो हम ये काम आसानी से कर पाएंगे हाउ एवर वी हैड स्पोकन टू सून जो भी हो हमने बहुत जल्दी बात कर ली थी इन सब चीजों की राउंड अ अब क्रैप मीज होता है द एजेस ऑफ अ रेस्ट पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड तो जो सड़क के किनारे कगार को बोलते हैं तो हमारी जो वैन थी एनकाउंटर्ड अनएक्सपेक्टेड स्लश अनएक्सपेक्टेड यानी अनचाहा या फिर अप्रत्याशी और स्लश होता है कीचड़ हमारी वैन को अप्रत्याशी कीचड़ का सामना करना पड़ा जानी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और कीचड़ सामने आ गई द इंजन इज ट्रेन टू पुल द व्हील्स थ्रू और इसी कारण जो हमारे इंजन के पहिए थे वो जोर जोर मतलब जोर लगाना पड़ रहा था वो फंस गए थे उस कीचड़ में आई स्टेप डाउन फ्रॉम द वैन अब जब गाड़ी फंस गई थी तो मैं वैन से नीचे उतरा एज आई वॉज़ लुकिंग फॉर स्टोन्स टू प्लेस अगेंस्ट द व्हील आई सॉ अ पेयर ऑफ ब्राइट ब्लैक आइज पियरिंग फ्रॉम अमंग द बुश और मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से निकालने के लिए पत्थरों की तलाश की तो मैंने झाड़ियों के बीच में एक जोड़ी चमकदार काली आँखों को झाँकते हुए देखा बुशमैन प्रॉब्ली ड्रॉन टू द स्पॉट बाय द रोर ऑफ द इंजन और वहाँ पर एक बुशमैन संभवतः इंजन की गड़गड़ाहट से उस स्थान पर आ गया था टेल्स ऑफ बुशमैन ऑफ द कला हरी केम फ्लैशिंग टू माई माइंड और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे दिमाग में उसकी जो कहानियाँ थीं वो दौड़ने लगीं मुझे ये पढ़कर याद आ गया कि उस दिन के दौरान बुशमैन से निपटना अधिक सुरक्षित होता है रात के दौरान वे अतिरिक्त सतर्क और अधिक आक्रामक हो जाते हैं तो उन्होंने ये चीज़ कहीं पढ़ी होगी सो so, उन्होंने कहा आई रिमेम्बर्ड रीडिंग द बुशमैन आर सेफर टू डील विद द ड्यूरिंग द डे दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर एग्रेसिव ऑल्सो आई हैड कम वेल प्रिपेयर टू बी फ्रेंड द बुशमैन और इसके अलावा मैं बुशमैन से दोस्ती करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होकर आया था आई हैड सम बीड्स विच आई क्विकली ऑफर्ड टू दैम एज अ टोकन ऑफ़ फ्रेंडशिप मेरे पास कुछ मोती थे जो मैंने दोस्ती की निशानी के तौर पर उनको दिए वो पहले से प्रिपेयर होकर आए थे कि अगर वो बुशमैन से सामना करते हैं तो वो उनको अपना फ्रेंड बना लेंगे देखिए ये पिक में दिया हुआ है ये जो बीच में आदमी खड़ा है वो बुशमैन है और इन्होंने उसको मोती दे दिए हैं दिस वन, ये बुशमैन है, और ये मोती दे रहे हैं देखिए द बुशमैन एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश अ सेट ऑफ वाइट टीथ दैट एनी बडी वुड एनवी एनवी मतलब होता है जल्स फील करना बुशमैन ने उपहार को स्वीकार किया और सफ़ेद दांतों का एक सेट दिखाया जिसे देखकर किसी को भी बहुत जलन होगी ईर्षा होगी कमिंग फोर्थ ही ऑफर टू गिव अ हैंड विद द वैन आगे आकर उन्होंने हमसे वैन में मदद करने की पेशकश की मतलब उन्होंने सामने से ऑफर किया कि वो हमारी मदद करेंगे ऑन लर्निंग दैट वी वर आउट ऑन एन एलिफेंट शूट ही प्रोमिस्ड एज वेल एज वी अंडरस्टूड अंडरस्टैंड टू कंडक्ट अस टू द गेम ये जानने पर कि हम हाथी की शूटिंग पर बाहर थे उन्होंने वादा किया कि जैसा कि हम समझ सकते थे हमें खेल में ले जाने का यानी वो हमें हेल्प करेंगे इट वॉज़ बिगनिंग टू गेट डार्क अब अंधेरा होने लगा था अ फायर स्टिक इन हिज हैंड आवर गाइड टुक द लीड वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आवर वैन अंधेरा होने लगा था उसके हाथ में आग की छड़ी थी हमारे गाइड की अगुवाई थी यानी वो आगे की तरफ गए और हमारी वैन के सामने चल रहा वो चल रहे थे हिज डैंगिंग शाइनी कॉडर्ट हेयर गॉट ऑल माई एडमायरेशन तो उनके लटकते चमकदार उलझे बालों ने मेरा सारा जो अटेंशन था वो खींच लिया था और मैं उनको काफ़ी एडमायर कर रहा था मैं उनकी काफ़ी प्रशंसा कर रहा था ही लेड अस ऑन टू अ वेल ट्रोडन एलिफेंट पाथ फॉर अबाउट एन आर और वो हमें लगभग एक घंटे तक हाथी के कुचले हुए रास्ते पर ले गए यानी जिस रास्ते से हाथी गया था उस रास्ते पर वो हमें ले गए द बुशमैन बींग अवर ओनली फ्रेंड इन दिस वाइल्डरनेस और वो बुशमैन जो था वही केवल इस जंगल में हमारा एक मात्र मित्र था जो हमें ऐसा करने के लिए हेल्प कर रहा था वी कुड ओनली फॉलो इन साइलेंस और हम उसे शांतिपूर्वक चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे अनुसरण कर रहे थे सींग अवर पजल्ड एक्सप्रेशन एवरी नाउ एंड देन ही मटर्ड समथिंग इन हिस्स क्लिक लैंग्वेज वो हमें देख रहा था हमारे हैरान भाव को देखकर, वो बीच बीच में अपनी कुछ अलग भाषा में कुछ कुछ बुदबुदाता रहता था होप्स टू अंडरस्टैंडिंग हिम हालांकि हमने उसे समझने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। हमें वो समझ में नहीं आ रहा था वो हमसे अलग था वी गेस्ट फ्रॉम हिज गेस्टर गेस्टर होते हैं उसके हाव भाव गेस्टर दैट ही वुड ब्रिंग अस टू सम प्लेस हम उसके हाव भाव से समझ लिए गए थे अनुमान लगा लिए थे कि वो हमें किसी स्थान पर ले जाएगा इट वॉज़ टाइट वेन वी रीच्ड अवर लुकआउट पॉइंट अब लुकआउट पे जो पॉइंट था वो थोड़ा सा टुईलाइट मतलब धुंधला सा था जहाँ हम पहुँच गए थे लुकआउट पॉइंट जहाँ पर हमको पहुँचना था देखिए यहाँ पे मीनिंग दी हुई है टू लाइट होता है अ पीरियड ऑफ द डे वैन देअर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट आफ्टर सनसेट तो जब सनसेट हो जाता है तो थोड़ा सा मौसम धुंधला हो जाता है सब कुछ साफ साफ नज़र नहीं आता बस दिन ढला होता है और शाम रात शुरू हुई हो होती है लुकअ पॉइंट क्या था अ प्लेस फ्राम वेअर वन कैन कीप वॉच ऑन समन और सम थिंग तो जहाँ पर हमको नज़र रखनी थी वो पॉइंट हमें मिल गया था क्योंकि हम तो हाथी का शिकार करने आए थे सो इट वॉज टू लाइट वेन वी रीच्ड आउट लुकआउट पॉइंट तो शाम का समय था धुंधला समय हो गया था और उस सांझ में हम उस पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां हमें नजर रखनी थी अमंग द ट्रीज वॉज अ लार्ज प्लेटफॉर्म पेड़ों के बीच एक बड़ा सा मंच था प्ले, प्लेटफॉर्म था ही पॉइंटेड अप टू इट और उन्होंने उसकी ओर इशारा किया सो so दैट वॉज वेयर वर वी वर स्पेंड द नाइट और इससे हमें ये पता चल गया तो रात हमें यहीं पर बितानी है वी क्लाइंबडअप द रोप लैडर हमने रस्सी की सीढ़ी जो थी वो चढ़ी अ मोमेंट लेटर आवर बुशमैन डिसअपेयर्ड कुछ क्षणों बाद हमारे जो बुशमैन थे वो गायब हो गए वी फाउंड दैट रैदर स्ट्रेंज और हमें ये काफ़ी अजीब लगा कि वो हमें ये जगह बताकर गायब हो गए बट वी सेटल डाउन एंड वर जस्ट अबाउट टू हिट द सेक वेन वी हर्ड अ फेंट स्प्लैशिंग और गर्गलिंग लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड्स लाफ्टर हम शांत हो गए और बस बोरी से टकराने ही वाले थे कि हमें एक बच्चे की हँसी की तरह हल्की सी छीटें और गड़गड़ाहट गर सुनाई दी आई स्टूड अप एंड लुकड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड मैं खड़ा हो गया और उस दिशा में देखने लगा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी स्ट्रेच एट अ डिस्टेंस वॉज अ सिल्वरी बैंड और थोड़ी ही दूर पर मैंने देखा कि चांदी जैसा बैंड फैला हुआ था चांदी जैसा बैंड किसका था श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज़ टू अ रिवर और अब हम बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि हम नदी के किनारे हैं द एलीफेंट्स वॉटरिंग होल और जो हाथी थे वो पानी के बिल में बहुत करीब थे यानी वहाँ पर बहुत सारे हाथी थे वी सेट अप आवर फोटोग्राफी गेयर इन डबल क्विक टाइम और हमने बहुत जल्द ही अपना फोटोग्राफी जो गेयर था वो सेट कर लिया वी We वर at, uh, at loud ट्रम्पेट ऑलमोस्ट rattled us ऑफ our पर्च एन एलिफेंट हर्ड was विजिटिंग द रिवर एट नाइट वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड थिंग्स टू हैपन सो फास्ट आवर हैंड्स वर ट्रेवलिंग फ्रॉम शेयर एक्साइटमेंट और तभी हमने जो अपना फोटोग्राफी का गेयर सेट कर लिया था और अभी भी वहीं पर थे जहाँ पर जोरदार आवाज़ें आ रही थीं। रात में ही हाथियों का झुंड नदी पर भ्रमण कर रहा था हमें उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इतनी तेज़ी से हो जाएंगी अत्यधिक उत्तेजना के कारण एक्साइटमेंट के कारण हमारे हाथ जो थे ट्रम्बल मतलब होता है कांपना बहुत जोरों से कांप रहे थे क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हम करने आए हैं काम वो इतनी जल्दी इतने कम समय में हो जाएगा द एलिफेंट्स केम ट्रजिंग अलॉन्ग द काफ्स वॉकिंग बिसाइड देयर मदर्स हाथी चल रहे थे और उनके जो छोटे बछड़े थे वो अपनी माँ के साथ चल रहे थे वे सत्रह इंच के थे देवर सेवेंटीन इंच ऑल बिग एंड स्मॉल सभी छोटे और बड़े थे अवर कैमराज वर्क नॉन स्टॉप वाइल वी फॉलोड दैम थ्रू दर लेंस और हमारे कैमरे जो थे वो उन्हें शूट करने में एक सेकेंड भी नहीं रुके बिना रुके वो काम करते रहे जब तक कि हमने अपने लेंस के माध्यम से उनकी सारी हरकतों को कैद नहीं कर लिया दिस वॉज दिस वॉज माई फर्स्ट वाइल्ड लाइफ शूट लेखक बताते हैं कि ये उनकी पहली वाइल्ड लाइफ शूट थी एंड नथिंग कुड कंपेयर विद द एक्साइटमेंट और वो इस एक्साइटमेंट को किसी भी चीज से उसकी तुलना नहीं कर सकते आई फेल्ट इन दिस वाइल्ड नेचुरल पैराडाइज जो भी उन्होंने वहाँ उस जगह पर महसूस किया था वी शॉर्ट फॉर एन अमेजिंग आर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक घंटे तक वहां पर शूट किया ड्यूरिंग विच द हर्ड demonstrated to us लाइक शूटिंग वाटर water from their ट्रंक और उनका कहना था कि उन्होंने उस जगह उस अद्भुत घंटे में शूटिंग करी जिसके दौरान झुंड ने हमें अपनी सूर से पानी निकालने जैसे दृश्य दिखाए कुछ लोगों ने ऊंचे स्वर में उनकी आवाज़ें सुनी, जिससे हम उछल पड़े और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्हें देखने को मिली, जिसके लिए उनका कैमरा इंतज़ार कर रहा था देअर क्वेस्ट क्वेंच्ड उनकी प्याज बुझी द हर्ड रिट्रीटेड टू द बुश और पूरा का पूरा झुंड वापस झाड़ियों में चला गया अवर बुशमैन स्टार्ट अस वेन ही सडनली स्प्रेंग टू द्राउंड बिलो अस और हमारे बुशमैन जो अचानक गायब हो गए थे वो जब अचानक हमारे सामने ज़मीन पर आकर गिरे तो हमें उन्होंने उन्होंने हमको चौंका दिया क्योंकि वो वहाँ पर चुपचाप छुपे हुए थे वी रियलाइज ही हैड बीन अ साइलेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द बो ऑफ द टॉल ट्री नेक्स्ट वर्स और हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया हमें एहसास हुआ कि वे हमारे बगल के एक ऊंचे पेड़ की शाखा से एक चुपचाप दर्शक की तरह मूक दर्शक की तरह ऑब्ज़र्व कर रहे थे ही लुकड पजल्ट वो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहे थे वी हैड नॉट fired अ शॉट क्योंकि हमने तो एक भी गोली नहीं चलाई थी हाउ कुड वी लेट द गेम टू गो बाय और वो तो ऐसा ही सोच रहे थे कि शायद हम गोली चलाकर शिकार करने आए हैं हम खेल को कैसे जाने दे सकते थे वी शोड हिम आवर फोटोग्राफी गियर बट ही वॉज़ स्टिल पजल्ट हमने उनको अपना फोटोग्राफी गियर दिखाया जिसमें हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट करे थे लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे वी आस्ट हिम टू क्लाइंब अप एंड शोड हिम वॉट वी हैड शोट ऑन अवर कैमरा स्क्रीन हमने उनसे कहा कि आइए देखिए हम आपको दिखाएं कि हमने क्या क्या शूट किया है आई कुड सेंस दैट ही वॉज प्लीज दैट ही डिड नॉट हैव टूट विटनेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दोज दोज मैजिस्टिक बीस्ट और हमें ऐसा लगता है मैं समझ सकता था कि वह प्रसन्न था कि हमने उन जानवरों का कोई भी विनाश नहीं किया उनको कोई भी विनाश देखना नहीं पड़ा क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हम शिकार के लिए आए हैं लेकिन ऐसा नहीं था हम तो केवल वाइल्ड लाइफ शूटिंग करने आए थे जिससे कि हम उनके पिक्चर्स ले सकें तो ये तो हुआ इस चैप्टर का आ, एक्सप्लेनेशन आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो हेल्पफुल लगा हो तो वो भी मुझे बताइए और अगर इसके लिए आपके कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताइए थैंक यू फॉर वॉचिंग अ नाइस डे पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें